आतंकवादियों के समर्थन में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सामने आई है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी के एक लीडर का कि जो लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद वो जो हैं जेलों में बंद लोगों को भी छोड़ देंगे। आइए सुनिए। हम चाहते हैं कि अगर यह कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पर जो खून खराबा करा रही है भारतीय जनता पार्टी उसका अंत होगा और जो लोग इसमें मारे गए हमारे आतंकवाद के नाम पे जेलों में बंद है इन्हें सबको जेलों से छुड़ाया जाएगा। आतंकवाद में मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। जब बुलंदशहर के अंदर सुमित को उनको बजरंग दल के आतंकवादियों को आरएसएस के आतंकवादियों को भाजपा के आतंकवादियों को मुआवजा मिल सकता है तो कश्मीर में मारे गए निर्दोष लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? उन्हें जेलों से रिहा किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आई तो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ पर लागू किया जाएगा। जिन लोगों ने ये कत्लोकारण फौज को आदेश देकर कराए हैं, निर्दोष लोगों को मरवाया है, वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो भारतीय जनता पार्टी का, उसे फांसी की सजा दिलाई जाएगी, नया कानून बनाया जाएगा और उन्हें फांसियों पर लटकाया जाएगा ऐसे भाजपा नेताओं को। कांग्रेसी नेता शकीर सैयद खान ने यह कहा जम्मू के अंदर। अब बात यह आती है कि जब भी कोई पार्टी का नेता इस तरह की बात करता है उससे एक जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में किस तरह का जो है माहौल आप आगे ही जानते हैं बना होता है। और जहां पर एक तरफ आतंकवादियों को निस्तोनाबूद किया जा रहा है ऑपरेशन ऑल आउट के चलते, वहीं पर आतंकवादियों को छोड़ने की और आतंकवादी जो मारे जाते हैं उनको पैसे देने की भी मांग की है कांग्रेसी नेता ने। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।